सो व्हाट्सअप गाइज, तो आज की इस वीडियो के अंदर गाइज मैं आपको कुछ इस टाइप की ना फेस व्हाइट करना, स्मूथ करना, कपड़े की कलर चेंज करना गाइज, एवरीथिंग फोटो एडिट करना सिखाने वाला हूँ। और देख सकते हैं ये फोटो देखने में काफ़ी बॉम लग रही है। और गाइज इसकी बैकग्राउंड आप देखेंगे ना तो जैसे लग रहा है इसकी बैकग्राउंड को चेंज किया गया, तो लेकिन गाइज इसकी बैकग्राउंड को चेंज नहीं किया गया है। तो इस टिप्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चलिए गाइज वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सिंपल से आपको स्नैपचैट ऐप को ओपन करके प्लस के आइकन पर गाइज आपको क्लिक कर देना होगा। और जैसे ही गाइस क्लिक करेंगे तो यहां से आपकी गैलरी गाइस ओपन हो जाएगी। और इस फोटो में गाइस क्या करेंगे, बिना बैकग्राउंड को चेंज किए हम लोग बैकग्राउंड को ना ऐसी कलर ग्रेड कर देंगे कि देखने में लगेगा कि बैकग्राउंड चेंज है। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए गाइज वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो गाइज सबसे पहला स्टेप गाइज हम लोग का ये होने वाला है, पेंसिल के आइकन पे आपको क्लिक करना होगा। और गाइज जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऊपर साइड में कर्व का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो कर्व वाले ऑप्शन पर गाइज सिंपल से आप क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे ही गाइज क्लिक करेंगे ना तो आपको नीचे साइड में थ्री ऑप्शंस मिलेंगे। तो पहले वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके ना यहाँ पे RGB पे गाइज आपको सेलेक्ट करके कर्व लाइन को गाइज आपको ऐसे बीच से पकड़ के थोड़ा सा ऐसे उठा देना होगा। और नीचे से भी थोड़ा सा गाइज ऐसे आपको ऐसे थोड़ा सा नीचे करना होगा। और ऊपर से भी थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा गाइज उठाना होगा, यानी कि थोड़ा सा एकदम बहुत बारीकी गाइज। और इसको सिंपली यहाँ से राइट क्लिक कर दीजिएगा। और राइट आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो गाइज आफ्टर बिफोर फोटो की देख सकते हैं। तो क्या करेंगे गाइज ना, अगेन इसी पेंसिल के आइकन पे आपको क्लिक करके सेलेक्ट टू वाले पे गाइज क्लिक करके ना अभी भी आपका जहाँ स्किन डार्क है वहाँ पे ऐसे ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लीजिएगा। और नीचे के गाइज इसकी सेचुएशन को थोड़ा सा डिक्रीज कर लीजिएगा। और गाइज ये आप प्रोसेस वहाँ कीजिएगा जहाँ पे आपका स्किन डार्क है। तो मैं फटाफट से गाइज कर लेता हूँ, आप लोग भी गाइज कर लीजिएगा। और सिंपली गाइज नीचे साइड में राइट वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे ही गाइज आप क्लिक करेंगे तो आफ्टर बिफोर यहाँ से आप अपनी फ़ोटो को देख ही सकते हैं गाइज। तो क्या करेंगे गाइज, अपने लिप्स को ना रेड करने वाले हैं। तो लिप्स को रेड करने के लिए पेंसिल के आइकन पे गाइज क्लिक करके ब्रश के ऑप्शंस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे एक सेचुएशन का ब्रश मिलेगा। तो सेचुएशन पे आके गाइज ना यहाँ पे इसकी साइज हम लोग 10 रख देंगे। और फोटो को ऐसे जूम करके गाइज आपको अपने लिप्स पे ऐसे बार बार ड्रॉ करना होगा। तो आप जैसे ही बार बार ड्रॉ करेंगे तो आपकी लिप्स की कलर गाइज चेंज हो जाएगी। और चाहे तो यह कपड़े की कलर भी आप डार्क कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने कैसे डार्क कर लिया है। और सिंपली गाइज नीचे साइड में राइट वाले ऑप्शंस पे आप क्लिक करके यहाँ से ना कुछ इस टाइप की रिजल्ट आप लोगों की फ़ोटो की मिल जाएगी। तो अब बारी आती है गाइज कि आप अपने स्किन को कैसे स्मूथ कर सकते हैं। तो स्मूथ करने के लिए पेंसिल के आइकन पे गाइज क्लिक कर देना होगा। ऐसे नीचे आएंगे, लेंस ब्लर के ऑप्शंस पे गाइज क्लिक करके इसे ऐसे कोने में हम लोग रख देंगे। और सिंपली गाइज क्या करेंगे, ऐसे नीचे आके इसकी विग्नेट को हम लोग पूरा डिक्रीज करके और सिंपली गाइज राइट क्लिक कर देंगे। और राइट आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो पूरी फोटो गाइज आपकी इस टाइप की ब्लर देखने को मिलेगी। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गाइज, आपको ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन पे क्लिक करके व्यू एडिट के ऑप्शन और लेंस ब्लर पे गाइज क्लिक करके यहाँ से ब्रश को लेके ना साइज यहाँ से 75 रख देंगे। और फोटो को आप कुछ इस टाइप से जूम करके और आपका स्किन जहाँ जहाँ पे है ना गाइज कुछ इस टाइप से इसे ड्रॉ करना होगा। और जैसे ही गाइज आप इसे ड्रॉ करेंगे ना तो आपका स्किन काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से स्मूथ हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो मैं फटाफट से अपने पूरे स्किन पे कर लेता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस गाइज मैं आप लोगों को बताता हूँ। और सिंपली गाइज नीचे साइड में राइट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके यहाँ से बैक हो जाएंगे। और बैक होते ही गाइज आप अपनी फ़ोटो को देखेंगे कि आफ्टर बिफोर कितनी अच्छी क्वालिटी यहाँ से हो चुकी है। तो गाइज अब बारी आती है कि आप अपने बैकग्राउंड को बिना चेंज किए हुए कैसे रिप्लेस करेंगे। तो उसको करने के लिए गाइज बेहद सिंपल सा तरीका है, थोड़ा सा इस टिप्स को आप फॉलो कीजिएगा। तो पेंसिल के आइकन पे आप क्लिक करके और ऐसे ऊपर आएंगे, यहाँ पे एक भिन टैग का ऑप्शन गाइज आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। तो भिनटेक के ऑप्शंस पे आप क्लिक करके यहाँ पे 12 नंबर का फिल्टर गाइज आपको देखने को मिलेगा। तो इसे लेने के बाद ना सिंपल से आप लोगों को क्या करना होगा, ऐसे नीचे आएंगे और इसकी सेचुएशन को हम लोग पूरा डिक्रीज करके और नीचे साइड में राइट वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे ही गाइज आप ये प्रोसेस करेंगे तो कुछ इस टाइप की फ़ोटो आपकी देखने को मिलेगी, पूरी ब्लैक एंड वाइट। तो ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन, व्यू एडिट के ऑप्शन और भिनटेक पे गाइज क्लिक करके यहाँ से ब्रश को लेके ना
इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा और साइज यहाँ से 0, फोटो को ऐसे जूम करके गैज आपको अपने बॉडी पे से इस इफेक्ट को हटा लेना होगा। तो मैं फटाफट से गैज हटा लेता हूँ, आप लोग भी हटा लीजिए, इसे काफ़ी सिंपली हट जाएगा। सिंपली गैज ऐसे आपको ड्रॉ कर लेने के बाद नीचे साइड में राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से बैक हो जाएंगे और बैक होते ही गैज कुछ इस टाइप की फोटो आपकी देखने को मिलेगी। तो क्या होगा गैज ना कि अब देखिएगा कमाल आप लोग, तो कमाल क्या होने वाला है, पेंसिल के आइकन पे गैज क्लिक कर देंगे और सिंपल ऐसे नीचे आके ना डबल एक्सपोजर के आइकन और प्लस के आइकन पे गैज क्लिक करके इस वाले कलर पैनल को हम लोग लेके गैज ना आपको नीचे साइड में 3 ऑप्शंस मिलेंगे। बीच वाले पे गैज क्लिक करके ओवरले यहाँ पे कर देंगे और इसकी ऑपोसिटी वाले पे आके इसकी ऑपोसिटी को थोड़ा सा बढ़ा के ना गैज और सिंपली यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे और राइट आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप की फोटो आपकी देखने को मिलेगी। तो ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन, म्यूडिट के ऑप्शन और यहाँ पे डबल एक्सपोजर पे गैज क्लिक करके ब्रश को लेके ना इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, साइज यहाँ से 0 मिलेगा और आपको 0 मिल जाने के बाद आपके बॉडी पे जो भी ये आया है इफेक्ट ना बैकग्राउंड का, इसे कुछ इस टाइप से आप इजीली रिमूव कर लीजिएगा गैज, बहुत इजीली ये हो जाता है। तो मैं फटाफट से रिमूव कर देता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस गैज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या करना है। और सिंपली गैज ऐसे हो जाने के बाद नीचे साइड में राइट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके आपको यहां से बैक हो जाना होगा और बैक होते ही गैज आफ्टर बिफोर आप अपनी फ़ोटो को देख ही सकते हैं। तो पेंसिल के आइकन पे गैज अगेन क्लिक करेंगे, डबल एक्सपोजर प्लस के आइकन और बटरफ्लाई पीएनजी को लेके गैज ना ऐसे आपको ऐसे लगा देना होगा और बीच वाले पे क्लिक करके इसे लाइटन करके देंगे या फिर यहाँ पे ऐड, तो मैं ऐड क्लिक करके और सिंपली राइट क्लिक कर दूंगा और अगेन इसी पेंसिल के आइकन पे गैज क्लिक करेंगे और सिंपली ऊपर आकर ट्यून इमेज के ऑप्शंस पे क्लिक करके यहाँ से इसकी एम्बियंस को ऐसे हम लोग इंक्रीज कर लेंगे थोड़ा सा गैज और राइट क्लिक कर देंगे। और जैसे ही गैज आप ये प्रोसेस करेंगे तो कुछ इस टाइप की फ़ोटो आपकी बन के आ जाएगी गैज, जो देखने में काफ़ी ओसम एंड फाड़ सी दिख रही है। तो इस फोटो को गैज सेव करने के लिए इस डाउनलोड के ऑप्शंस पे क्लिक करके सिंपल एक्सपोर्ट कर देंगे और हम लोग का ये फोटो गैज गैलरी में सेव हो जाएगा। तो आई होप गैज आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गैज।